जी अच्छा हाँ यूटीन के बारे में आज प्रेस मीट रखा गया था मीडिया को और सभी लोगों को ब्रीफ करने के लिए। तेलंगाना वुमेन्स प्रोटेस्ट मीटिंग है 3 फरवरी के दिन मीनार गार्डन फंक्शन हॉल नयापुर में 2 बजे से 5 बजे तक, तो उसकी ब्रीफिंग के लिए हम लोग ये प्रेस मीट रखे थे। और अखिला खामोशी मैम तामिर मिलन से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सोशल एक्टिविस्ट इसमें ज्वाइन हुए। तो हम लोग सभी लेडीज से पूरे खवातीन से अपील करते हैं कि आप लोग इस प्रोटेस्ट मीटिंग में 3 फरवरी के दिन जरूर शामिल हुई शरीक हुई और इसे कामयाब करें। लोगों को दिखना जरूरी है। तेलंगाना वुमेन्स प्रोटेस्ट मीटिंग CAA, NRC और NTR के खिलाफ रखी गई है मेरी तरफ से 3 फरवरी के दिन मीनार गार्डन फंक्शन हॉल नयापुर में 2 बजे से 5 बजे तक। और ये प्रोटेस्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे परमिशन मिली है पुलिस की तरफ से। और ये मीटिंग सिर्फ वुमेन्स के लिए है, तो खाली लेडीज आएंगे इसमें, सभी मजहब के लोग को इन्वाइट किया गया है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव ऑडियंस से खिताब करेंगे, तो इसमें आपको कोई परेशानी होने की बात नहीं है। मैं मेरी रिक्वेस्ट है सभी खवातीन से कि आप लोग कुछ वक्त निकालकर इस प्रोटेस्ट मीटिंग में शरीक होइए और हमें ये प्रोटेस्ट मीटिंग बहुत ही पीसफुल तरीके से करना है, टाइम की पाबंदी करना है। ये प्रोटेस्ट मीटिंग ठीक 2 बजे शुरू होगी और 5 बजे तक हमें इसे खत्म करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, हमें सिर्फ ये दिखाना है कि हैदराबाद की औरतें पीछे नहीं है। हम अपने हक के लिए आवाज जरूर उठाएंगे और हैदराबाद की औरतें भी इनकलाब का हिस्सा होंगी। याद रखिए 3 फरवरी के दिन मीनार गार्डन फंक्शन हॉल 2 बजे से 5 बजे तक वुमेन्स प्रोटेस्ट मीटिंग होगी इंशाल्लाह। इसमें स्पीकर्स कौन कौन आने हैं? कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से असमा जहरा मैम है, तामिर मिलत से अखिला खामोशी मैम है, अर्शिया अयूब मैम है सोशल एक्टिविस्ट, और कुछ प्रोफेसर्स है गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से, और जमात इस्लामी हिंद से जहीर फातिमा मैम है, तो ये और सुधा जैन है मिसेस एशिया पैसिफिक। तो ये सभी स्पीकर्स होंगे और सभी कम्युनिटी के लोग को इनवाइट किया गया है। और मैं चाहूंगी कि सभी कम्युनिटी के लेडीज खवातीन इस प्रोटेस्ट में जरूर आइए और इसे कामयाब करें। जेएससी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है जी? जेएससी जॉइंट एक्शन करना चाहिए। वो लोग का अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग अपना जो है तरीके से उन लोग का ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। ये मैं मेरी तरफ से अप्लाई करी थी। नहीं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, मैं सेल्फ जो है ना, मैं कराटे एथलीट हूँ, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं सेल्फ जो है परमिशन ली और अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन से मुझे सपोर्ट मिली है, वुमेन वेलफेयर और सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन से। यंग कंसर्न सिटीजन है समझे आपने, जैसे कि अभी आपने सुना फलक साहिबा से कि उनकी जानिब से एक प्रोटेस्ट मीट मुनासिब करने का फैसला उन्होंने किया है NPR और NRC और CAA के एक्ट को लेकर। और जैसे कि पूरा हिंदुस्तान या दुनिया पूरी देख रही है कि जो एहतजाजात इस एक्ट को लेकर चल रहे हैं उसमें ज़्यादातर खवातीन अपना किरदार निभा रही हैं, और ये ऐसा वाहिद एहतजाज है कि यहाँ पर हमको हर किस्म के प्रोफेशनल्स और हर फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाले इसमें हमको नजर आ रहे हैं, जो इसके खिलाफ CAA के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। जहां हमको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर्स नजर आते हैं, वहीं हमको डॉक्टर्स भी नजर आते हैं, वहीं हमको स्टार्स फिल्म स्टार्स भी नजर आते हैं, वहीं हमको एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन भी नजर आते हैं। तो गोया कि हर तरफ से ये आवाज उठ रही है कि जो CAA कानून की शक्ल इसको दी गई है इससे हर हिंदुस्तानी मुस्तरिब है और बेचैनी अपने कल्ब में वो महसूस कर रहा है, और ये बेचैनी उनकी बेजा भी नहीं है बल्कि ये ऐन उनकी फितरत के मुताबिक है। जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है हिंदुस्तानी के दिल में है उसके उसकी अक्कासी एहतजाज कर रहा है, क्योंकि CAA का जो कानून बनाया गया है उसको उस कानून की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन पर बात आती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं बताया गया कि सिटीजनशिप जो दी जानी है वो रिलीजन को लेकर दी जानी चाहिए, बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये मुल्क सेकुलर रहेगा और हिंदुस्तान में सब मजाहिब के लोगों को इक्वल, दे ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 जो है वो यही बात कहता है कि हर हिंदुस्तानी उसको इक्वल जस्टिस और वो इक्वल है लॉ के सामने। तो ये CAA पहला कानून आजादी के बाद बनाया गया है जो कि मजहब के बेसिस पे बनाया गया है,
और टोटल ये डिस्क्रिमिनेशन पर मबनी है। तो इसीलिए हिंदुस्तान की आवाम सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी अपना एहतजाज इसमें दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने वतन को यूनाइटेड देखना चाहते हैं, वो अपना वतन का जो सेक्युलर फैब्रिक है उसको डिस्टॉर्ट होते हुए वो देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए हर मुहिब्बे वतन इसमें अपना एहतजाज दर्ज कर रहा है। तो इसी एहतजाज की एक कड़ी है सैयदा फलक की जानिब से मुनाकिद किया जाने वाला 3 फरवरी मीनार गार्डन नया पुल के करीब 2 बजे से 5 बजे तक एहतजाजी जलसे आम होगा, सिर्फ खास खवातीन के लिए है। और ये एहतजाज के जरिए हम देख रहे हैं कि यंग इंडिया इमर्ज कर रहा है, यंग इंडिया लीडरशिप निकल कर आ रही है, यंग पीपुल, टैलेंटेड पीपुल, लर्नड पर्सन्स, ये पूरे जो है निकल कर आ रहे हैं। तो ये सैयदा फलक को भी मैं उसी सिलसिले की एक कड़ी समझती हूँ, और हम तमाम हैदराबादियों से ख्वाहिश करते हैं कि इस जलसे आम में वो शिरकत करें और इनकी जो कोशिश है उसको कामयाब करें और शरीक होकर वो भी अपने हुक्म बदली का सबूत दें। यहाँ पे मैं स्पेशली सैयदा फलक को सपोर्ट करने आई हूँ। उन्होंने जो प्रोग्राम रखा है 3 फरवरी को मीनार गार्डन में एनसीआर एंड एनपीआर अगेंस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन के तहत चल रहा है, उसी को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं तहे दिल से इनकी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतना जज्बा बताया कौम के लिए और ये वुमेंस के लिए जो स्पेशली इन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, मैं उसको दिल से सपोर्ट करना चाहती हूँ और मैं आगे भी इनके एक्टिविटीज का हिस्सा रहूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू। फिर इस वक्त अब क्या कर रहे हैं भाई? थोड़ा अंग्रेजी में बोलूंगी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। वी कहा है कि हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इट इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसकी जो प्रियम्बल है उसके ऊपर थोड़ा गौर करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, और मैं वही देख रही थी कि आई थिंक 10th के बाद शायद अब पढ़ रहे अनफॉर्चुनेटली के ठीक है याद किए थे, बट नाउ वी आर हैविंग टू रिमेम्बर इट। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, मैं डेफिनेशन में और नहीं जा रही हूँ, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड टू प्रमोट एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो इसको हम नजर में रखते हुए ये समझना है कि जो हमारा protest है, एक तो we have to educate ourselves. किसी ने दिल्ली में कहा कि it's about educating, it's about organizing, and it's about protesting. Protest अलग अलग किस्म के हो रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव सबका एम एक ही है। जैसा फलक ने कहा है कि वी आर हियर ऑन अ यूनाइटेड प्लेटफॉर्म, हर मजहब के लोग, हर जबान अलग अलग जबान बात करते हैं हम लोग, अलग अलग लिबास पहनते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है, डू नॉट ट्राई टू हार्म द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ दिस नेशन। किसी को हक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये सारे चीजें जो हो रहे हैं। सीए का पास होना इट्स बिकम अ लॉ, हाउ कैन अ लॉ बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री? एंड उसको आइसोलेशन में नहीं ले सकते, क्योंकि खुद आसाम में हम देख चुके हैं कि सीए लिंक हुआ है एनआरसी से, और हम नहीं चाह रहे कि इस तरह पूरे कंट्री में हो जिसकी वजह से करोड़ों लोग स्टेटलेस हो जाएंगे। दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ सच एन एक्शन। तो हमको ये देखना है। और एक चीज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ वुमेन्स मूवमेंट, देयर आर द फोरफ्रंट, जो औरतों की एनर्जी है, हम लोग एजुकेटेड वाले, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, घरों में से निकले हैं, शायद वी वर जस्ट हाउसवाइव्स, वी आर प्रोफेशनल्स, दे आर डॉक्टर्स, दे आर लॉयर्स, दे आर इंजीनियर्स, दे आर स्पोर्ट्स पर्सन, और सभी एक प्लेटफॉर्म में इसलिए जमा हो रहे हैं कि सबको अफेक्ट हो रहा है।
देखिए हमारा जो कल्चर है ना हिंदुस्तान में, हम लोग नियम हिसाब रखते हैं, हमारे पास हमारे साथ जो कॉलीग्स रहते हैं, स्टूडेंट्स जो हमारे साथ पढ़ते हैं, सभी का हमको ख्याल रखना है। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरे माँ बाप के पास है, तो इट डजंट अफेक्ट मी वाली बात हम नहीं कर सकते, ये हमारा कल्चर नहीं है। इट गोज अगेंस्ट आवर वेरी ग्रेन। तो हमको ये देखना है कि जिसको भी अफेक्ट हो रहा है उस वजह से हम सब सारे के सारे उठे हैं और साथ दे रहे हैं उनका, जो शायद वो लोग खुद अपनी आवाज नहीं लेंड कर सके ये कॉज को। सो वी आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन, द वुमेन ऑफ इंडिया आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन, चाहे वो शाहीन बाग के हो, चाहे हैदराबाद के हो, चाहे लखनऊ के हो, कहीं भी आप चले जाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप देखेंगे जो औरतों की एनर्जी है वो लोग जाग उठे हैं। एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल टू क्वाइटन अस अंटिल वी गेट जस्टिस, व्हाट द प्रीएम्बल, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिसेस ईच एंड एवरी वन ऑफ अस।